एक और बेहतरीन मैच दोस्तों। एक तरफ टीम है जसौर खेड़ी की, जिसने टीम ने बड़ा जबरदस्त खेल दिखाया, प्रो कबड्डी का सितारा खिलाड़ी मोहित जसौर खेड़ी इस टीम का हिस्सा है। और दूसरी तरफ टीम है जो गहली के नाम से खेलती हुई गहली की टीम है, लेकिन कोटा यूनिवर्सिटी के लिए खेल चुके आशीष और बग्गा और बोलू और प्रदीप जो कि राजस्थान के अंदर कार्यरत है। प्रो कबड्डी गुजरात टीम के लिए खेल चुका है दोस्तों। प्रवेश इस तरफ हरियाणा स्टेट पोजिशन में हासिल करने वाला प्लेयर और जो पहली रेड होगी भाई साथियों वो गहली की तरफ से होगी। इस मैच की बेलोंगर तक कोटा यूनिवर्सिटी के लिए शानदार मैच है, इस टूर्नामेंट का सबसे हाई वोल्टेज मैच होगा। प्रो कबड्डी का सितारा खिलाड़ी वो बेहतरीन बोलू, ये बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है, पटना पायरेट्स के लिए खेल चुका है, सॉरी गुजरात टीम के लिए खेला है, थोड़ा ध्यान रखें। और 9 नंबर जर्सी का खिलाड़ी प्रदीप यादव राजस्थान प्रदेश के लिए नेशनल खेल चुका है और प्रो कबड्डी जैसे टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा दिखा चुका है और आज बाबा बरखंडे महाराज के ऐतिहासिक मेले में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पहुंचा है। और बिल्कुल पॉइंट लेने में कामयाब 2 नंबर जर्सी के खिलाड़ी विराज को आउट किया, ये भी प्रो कबड्डी का खिलाड़ी है। और भाई अब रेड पर 8 नंबर जर्सी का खिलाड़ी दिनेश देसवाल उर्फ मोनी गांव खेड़ का गुजर जिला झज्जर झज्जर जिले का ये खिलाड़ी है, इस समय बाबा बरखंडी महाराज के इस मेले में अपनी प्रतिभा दिखाता हुआ। बहुत ही अच्छी टीमें हैं दोनों ही, दोनों टीमों में बड़े बेहतरीन खिलाड़ी हैं हरियाणा प्रदेश के नेशनल कबड्डी के। और लीजिए भाई साथियों बिल्कुल प्रवेश ने चैन टैकल कर दिया है, पॉइंट अर्जित कर लिया है गहली के लिए। और भाई अब रेड पर 10 नंबर जर्सी का खिलाड़ी पवन गांव पाथेड़ा जिला महेंद्रगढ़ और सीजन 11 के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी प्रो कबड्डी में आपके अपने जिले के पाथेड़ा गांव का खिलाड़ी सचिन तंवर 2,15,00,000 रुपए के लिए सीजन 11 तमिल थलाईवास की टीम से खेलेगा वो खिलाड़ी। तो बड़ा ऐतिहासिक है कि भारत का सबसे महंगा खिलाड़ी कोई लीग में खेल रहा है तो वो आपके अपने जिले गांव पाथेड़ा का सचिन तंवर जो कि राजस्थान पुलिस में कार्यरत है। और अब रेड पर 7 नंबर जर्सी का खिलाड़ी करमवीर ठाकुर गांव कैरवाली जिला करनाल भाई बिल्कुल गुरबा घाणी कर चुका है, 2 पॉइंट अर्जित कर लिए हैं। ग्राउंड बी राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक सीट भैंसवाल ग्राउंड पर रिपोर्ट करें भाई। और जिस रेडर ने रेड लगाई थी भाई दर्शक साथियों नाम है करमवीर ठाकुर गांव कैरवाली करनाल जिले से खिलाड़ी आता है, कैरवाली गांव पड़ता है, बड़ा अच्छा खेल रहा है स्टेडियम रोहतक ए और भैंसवाल ये दोनों बोलू जितना स्कोर करेगा प्रतीप उर्फ बोलू गांव मोकलवास प्रदीप उर्फ बोलू गांव मोकलवास जितना स्कोर करेगा रामकिशन गुरु जी जो आप सब जानते हैं बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए हैं कुश्ती के गुरु जी ने उनकी तरफ से पर रेड पर 100 रुपए दिए जाएंगे प्रदीप उर्फ बोलू को। बहुत अच्छा मैच है भाई, दोनों बड़ी बेहतरीन टीमें हैं। और अब मोदी देसवाल इस समय रेड करता हुआ दर्शक साथियों मजबूत गदकाठी, लेकिन ये टेक्निक का खेल है बिल्कुल, पिछली रेड में भी चैन टैकल किया था। फिर रेड पर 10 नंबर जर्सी का खिलाड़ी पवन गांव पाथेड़ा जिला महेंद्रगढ़ बहुत अच्छा खेल मेला चलता हुआ बाबा बरखंडी महाराज की इस धरा पर पवन इस समय रेड करता हुआ 10 नंबर जर्सी का खिलाड़ी। ग्राउंड नंबर 2 की भी दोनों टीमें आ चुकी है, बड़ी बेहतरीन टीम है राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक और भैंसवाल जिला सोनीपत। फिर रेड पर 7 नंबर जर्सी का खिलाड़ी करमवीर इस समय रेड करता हुआ गांव कैरवाली जिला करनाल का ये खिलाड़ी महेंद्रगढ़ के ऐतिहासिक गांव मुंडिया खेड़ा में अपनी कबड्डी की प्रतिभा दिखाने पहुंचा है, भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ताली वालों में दर्शक साथियों यह प्रवेश बदलाना जिला महेंद्रगढ़ बिल्कुल दूसरी कैच लगा चुका है 3 नंबर जर्सी का खिलाड़ी। फिर रेड पर प्रदीप उर्फ बोलू गांव मोकलवास जिला गुड़गावा और राजस्थान प्रदेश के लिए नेशनल टूर्नामेंटों में अपनी प्रतिभा दिखाई है, इसने चाहे जूनियर की बात हो चाहे सीनियर की बात हो और प्रो कबड्डी जैसे टूर्नामेंटों में अपनी प्रतिभा दिखाई है इस खिलाड़ी ने। बहुत अच्छा मुकाबला चल रहा है इस समय। फिर रेड पर दिनेश देसवाल उर्फ मुनी कपूर पहलवान जी का सुपुत्र है गांव खेड़ का गुजर से ग्राउंड नंबर
दो के जो ऑफिशियल है मनोज जी मुकेश जी उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप मैच शुरू कराएं। कुश्तियों के भी हमारे जो ऑफिशियल है वो भी हमारे बीच में आ चुके हैं और वह बिल्कुल कैच लगा दिए साथ को। टीम नंबर जर्सी का खिलाड़ी आशीष गांव गहली जिला महेंद्रगढ़। और भाई सुपर टैकल ऑन थर्ड रेड सुपर टैकल ऑन और ताली मारा भाई दर्शक साथियों। भोलू फिर अपना काम कर चुका है, कृष्ण बैच को टच कर चुका है, पॉइंट अर्जित। दो नंबर जर्सी का खिलाड़ी भाई दर्शक साथियों रवि टहलान गांव जसरखेड़ी जिला झज्जर। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर रतनलाल जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करते हैं। पावरखंड की धरा पर सुपर टैकल ऑन और मैं हमारे गांव के जो मौजूदान है उनसे अनुरोध करूंगा कि उनका मान सम्मान उनका पगड़ी पहना कर उनका सम्मान करें। सम्मान करते हैं प्रोफेसर रोशनलाल जी और हमारे कमेटी के प्रधान और अन्य सम्मानित ग्रामवासी। ₹1000 से आर्थिक सहायता की हमारी की उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ले चलते हैं आपको खेल की दुनिया में पवन इस रेड पर। और भाई अब रेड पर जसरखेड़ी की तरफ से मोहित देसवाल गांव जसरखेड़ी जिला झज्जर पर कबड्डी के लिए सिलेक्शन हुआ है इस खिलाड़ी का और बड़ा बेहतरीन खिलाड़ी है, बोनस लेने में कामयाब रहा। फिर रेड पर प्रदीप उर्फ भोलू और सुपर टैकल ऑन थर्ड रेड और सुपर टैकल ऑन, बिल्कुल फाइट देखने को मिलेगी। और लीजिए बात दर्शक साथियों, तीनों खिलाड़ी एक ही गांव के डिफेंस में थे। चाहे सीटू की बात है, रवि पॉइंट गहली 6 पॉइंट जसरखेड़ी सकूल की साइड टीम है, मंदिर की साइड गहली 1 पॉइंट से आगे चल रही है गहली की टीम। और भाई अब 1 से बढ़कर 2 पॉइंटों की लीड हो चुकी है। पवन इस समय रेड पर 10 नंबर जर्सी का खिलाड़ी पेड़ा जिला और गहली की टीम में जो खिलाड़ी है उसमें से 2 खिलाड़ी मोहित और प्रदीप, बाकी सभी आपके अपने हैं। और ये दोनों टीमों का स्कोर 8 पॉइंट गहली 8 पॉइंट जसरखेड़ी। बहुत हाई वोल्टेज मैच रहेगा दोनों टीमों के बीच में। अब 5 के डिफेंस में करमवीर इस समय रेड पर। इंटरनल स्टाइल कबड्डी में रेडरिक के लिहाज से बात करें तो बड़ा मुश्किल डिफेंस होता है 5 खिलाड़ियों का, क्योंकि बोनस ऑफ होता है। थर्ड रेड डू और डाई रेड डिसाइड रेड, 5 खिलाड़ियों का डिफेंस डिसाइड रेड। करमवीर इस समय रेड करता हुआ 5 खिलाड़ियों के डिफेंस में दबा लिया है। सुपर टैकल ऑन प्रदीप इस समय रेड पर। और भाई 30 सेकंड का समय, भाई समय अपनी गति से चलता है भाई दर्शक साथियों। और लीजिए आ चुकी है
और अब पांच के डिफेंस में इसमें रेड पर मोनी इस समय डिसाइड रेड करता हुआ दिनेश देसवाल और मोनी गांव खेड़ का गुजर और सामने बिल्कुल गहली के पास कपर बिल्कुल तैयार पर तैयार देखते हैं कौन कैच की ट्राई करेगा। एक कॉर्नर पर आशीष और दूसरे पर प्रवेश दोनों का बड़ा अच्छा तालमेल है कॉर्नर टू कॉर्नर बात करें तो और तेजी बात दर्शक साथियों ये हम मोहित गांव मोकरवास बिल्कुल कैच लगा चुका है और पॉइंट अर्जित कर लिया गहली टीम के लिए दोनों टीमों का स्कोर इक्वल है भाई 10 10 दोनों टीमों का स्कोर जसर खेड़ी 10 और गैली 10 और भाई सेकंड ऑप्शन हो चुका है और पहली रेड रवि तहलानी इसमें पहली रेड करता हुआ जसर खेड़ी की तरफ से स्कोर की बात करें दोनों टीमों का स्कोर बराबर है 10 10 पिछले यार क्या हो जाएगा रवि टहलान के लिए डू एंड डाई रेड आ चुके दोस्तों और दो नंबर की तरफ से डू एंड डाई रेड बिसाइड रेड बिल्कुल फाइट देखने को मिलेगी इस रेड में ये रेड खाली नहीं हो सकती पॉइंट लेना या देना पड़ेगा रेड तो डिसाइड करना होता है रेड इस रेड में बिल्कुल जोखिम भरा काम करना होगा चाहे डिफेंस की बात हो चाहे रेड की बात हो रेड मौका मिलता है ये अपना पूरा काम करेगा ट्राई करेगा 10 10 का स्कोर गहली और अब जो गहली की तरफ से रेड आएगी वो डिसाइड रेड होगी बिल्कुल कांटों पे चलने जैसा काम करना होगा रेडर को थर्ड रेड डू ऑर डाई रेड 10 नंबर जर्सी का खिलाड़ी पवन गांव पाठेर इस समय डिसाइड रेड करता हुआ सामने चार खिलाड़ी चाहे कृष्ण बेद की बात हो चाहे विराज की बात हो रवि टहलान की बात हो सिंटू की बात हो चारों के चारों बड़े बेहतरीन डिफेंडर हैं तू हाँ देख रहे स्कोर बराबर है 11-11 का स्कोर और भाई एक गलती आपको इस टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है इस प्रकार का मैच है दोनों टीमें चाहेंगी तो एक टीम मैं हो एक सुलझा हुआ ऑलराउंडर है बिल्कुल ठंडे दिमाग से रेड करता है आशीष से गलती हुई थी पॉइंटर जीत कर लिया था रवि ने सारे आओ नहीं
वन पॉइंट बता दिया था कि आप एक साथी खिलाड़ी को दिखा दे, मेरे विपक्ष खिलाड़ी को दिखा दे। डिसाइड रेड दो और डाल गुरु जी, थोड़ा कोसा, थोड़ा साइड। ये रेफरी साहिबान थोड़ा विशेष ध्यान रखें, अदरवाइज ये बार बार डिस्प्यूट करेंगे। थोड़ा सतर्क रहे रेफरी साहिबान। डिसाइड रेड है भाई, टू और एंड मारो है। रेड एंड व्हाइट, हरा रेड सुपर टैकल ऑन। चलो जी, और भाई आखिरी खिलाड़ी जिस तरह खेड़े की तरफ से इस समय रेड पर समाप्त हो चुके हुए। रेवू नहीं है किसी भी टीम के लिए अब, क्योंकि समय का अभाव है। 13-13 का स्कोर। और वन गैली 14-13 का स्कोर, एक पॉइंट से गैली की टीम आगे है। और प्लस वन आगे आ चुकी है। और अब पवन रेड पर, दो खिलाड़ी, दोनों के दोनों जो खिलाड़ी हैं वो रेड हैं मुख्य तौर पर, चाहे करमवीर की बात हो चाहे मोहित की बात हो। और एक अब जसर की है, और दोनों टीमों का स्कोर फिर केवल 15-15। और अब 18-15 का स्कोर भाई दर्शक साथियों, बहुत अच्छा मैच चल रहा, हाई वोल्टेज मैच है। कमजोर दिल के दर्शक थोड़ा मैदान से दूर रहे। पांच मिनट का समय तय करेगा इस मैच में। लगातार प्रयास किया जा रहा है मोहित द्वारा। वन पॉइंट 16-18 का स्कोर हो चुका है भाई। 16-18 का स्कोर, दो पॉइंट की लीड। ग्राउंड बी के लिए राजीव गांधी रोहतक बी वर्सेस खानपुर, ये दोनों टीमें तैयार हैं। पर वही फिर रेड पर मोहित 16 स्कोर पर रेड करता हुआ। बिल्कुल पॉइंट देने में कामयाब सर मोहित गांव जसवर खेड़ी जिला जज्जर में। थर्ड रेड, डू और डाई रेड, डिसाइड रेड। पवन इस समय डिसाइड रेड करता हुआ, सामने लगातार दबाव बनाता हुआ। कॉर्नर सिंटू और कवर पोजीशन पर रवि टहलान। 30 सेकंड का समय, और भाई समय लगातार चलते है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। रवि को टच किया, 19-17 का स्कोर। आखिरी 3 मिनट शेष, आखिरी 3 मिनट शेष।
बहुत अच्छा मैच चल रहा है दर्शक साथियों, दिल्ली और जसरगढ़ी के बीच में एक एक पॉइंट के लिए बिल्कुल मारामारी चल रही है। ग्राउंड नंबर दो पर दोनों टीमें आ चुकी हैं। राजीव गांधी रोहतक बी वर्सेस खानपुर। हाँ जी, खानपुर खोड़ा और राजीव गांधी राउंड बी पर पहुंचे। आ गई सर दोनों टीमें। और भाई स्कोर की बात करें 19 पॉइंट दिल्ली और 18 पॉइंट जसरगढ़ी, 19-18 का स्कोर। टाइम और बताओ, टाइम और भाई आखिरी दो मिनट शेष इस मैच में, 120 सेकंड का समय शेष है। देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ेगा। एक पॉइंट की दिल्ली की लीड है। और डिसाइड रेड पवन इस समय डिसाइड रेड करता हुआ। और वन पॉइंट गैली पर, गैली का स्कोर 20, जसरगढ़ी का स्कोर 19 और आखिरी एक मिनट शेष, लास्ट वन मिनट शेष, 19-20 का स्कोर। और ताली वाले लोगों को सर भाई, अब लगभग 45 सेकंड का समय शेष इस मैच में। देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ेगा। अभी भी समय पर्याप्त है कि गेम पलट सकता है। बिल्कुल भाई, और अब इस मैच में मात्र औपचारिकता है और स्वीकार किया और पहले की टीम जीत चुकी है। हमारे दर्शक साथियों, ताली बजाए इस मैच के सभी खिलाड़ियों के लिए।